हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध रूप से गुजरात पिस्तल पर जिंदा कारतूस ले जाते कार सवार चार जने गिरफ्तार। आबू रोड पालनपुर फोर लेन पर गुजरात राजस्थान अमीरगढ़ बॉर्डर चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार से पकड़ी अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्तल व 31 जिंदा कारतूस। गुजरात के अमीरगढ़ पुलिस ने आबू रोड पालनपुर फोर लेन पर जिले के मार्गो से होकर गुजरात सीमा में आ रही एक कार से अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्तल व 31 जिंदा कारतूस के साथ दो जनों को गिरफ्तार किया है। जिले के विभिन्न थानों से होकर ये कार अवैध हथियारों के साथ पार हो गयी, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी खबर नहीं लगी। गुजरात की अमीरगढ़ पुलिस के अनुसार राय में अवैध रूप से लाए जा रही शराब व हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बनासकांठा पुलिस अधीक्षक तरुण दुग्गल के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमीरगढ़ थाना प्रभारी टीजे देसाई के नेतृत्व में पुलिस ने अमीरगढ़ बॉर्डर पुलिस चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने आबू रोड की ओर से आ रही एक कार को रुकवाकर जांच की। पूछताछ के दौरान कार सवार चार युवकों पर शक होने पर पुलिस ने वाहन की जांच की तो कार में बिना पास परमिट के एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तल व 31 जिंदा कारतूस पाए गए। पुलिस ने आरोपी मुर्शदपुर बुलंदशहर यूपी हाल गुजरात हाउसिंग बोर्ड लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बापूनगर जिला अहमदाबाद गुजरात निवासी शहजाद गलाउद्दीन खान अनस खान पुत्र खलील खान बिलाल पुत्र जाहिद भाई व महमूद सलीम पुत्र कासम भाई को गिरफ्तार किया है। जब्त पिस्तल व कारतूस की कीमत 31,200 रुपए है। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।